स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप MD का रिजल्ट, डेट, सिटी यानी कि सब कुछ पूरी जानकारी पता करने वाले हो सिर्फ एक वेबसाइट से। तो आपको कैसे चेक करनी है और कैसे आपको काम करना है, यानी कि आपको कैसे कुछ भी पता कर पाओगे। तो इस वीडियो को यार पूरा देखिएगा, अगर आपने ज़रा सी भी कट कर दी तो समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया और कैसे किया। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर टाइप करना है MDU रोहतक। जैसे ही आप यहाँ पे MDU रख दोगे, MDU रोहतक, तो यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर देना है। सर्च में करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। आपको सिंपली यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखिएगा पूरी जानकारी मिलेगी, रिजल्ट, एग्जामिनेशन डेट शीट, अदरवाइज आपके ऑनलाइन फॉर्म और री फॉर्म, ये पूरा डिटेल से आपको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर MDU पर चले जाना है। MDU पर जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड में इसको ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ आगे करना क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लिया, डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आपको 3 डॉट मिल जाते हैं। तो 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पर चले जाना है। एग्जामिनेशन पर लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आप आपके सामने बहुत ही अच्छा ऑप्शन आने वाला है जो कि आपको सारी जानकारी दे देगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, जूम आउट करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड में इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिएगा COE और ऑनलाइन रिपेयर फॉर्म, अदरवाइज एग्जाम क्वेश्चन पेपर, ब्रांच एग्जाम नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि पूरा आपको यहाँ पर रिजल्ट एंड डेट शीट, मेरिट लिस्ट पैनल और एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड और UMSC डिसीजन, UMSC कैसेस, मेरिट लिस्ट, फीस कंफर्मेशन इशू, और यहाँ पर नेशनल एकेडमिक मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। अब आपको जैसे कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर निकालना है तो आप यहाँ से निकल पाओगे, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम शेड्यूल चेक करना है तो आप यहाँ से एग्ज़ाम शेड्यूल भी चेक कर पाओगे, और रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट भी चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको हर एक तरीके की जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ऑनलाइन अगर आप रिपेयर फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर रिपेयर फॉर्म भी निकल के आ जाता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। और आपको बता दूँ जैसे कि मुझे यहाँ पर लगभग रिजल्ट चेक करना है तो सिंपली आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिजल्ट पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से रिजल्ट भी निकाल सकते हो। तो मैं फिर से एक बार बैक चले जाता हूँ और अब आपको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पर डेट शीट चेक करनी है, अदरवाइज डेट शीट पर क्लिक कर दोगे तो डेट शीट पर आ जाओगे यहाँ पर, तो जिस कि भी आपकी डेट शीट आ चुकी होगी तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से डेट शीट निकाल पाओगे। अदरवाइज आपको यहाँ से चेक करना है कि अब आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हर एक तरीके का एडमिट कार्ड मिल जाएगा अगर आपका आ रखा होगा तो। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दे रखी है, अदरवाइज एडमिट कार्ड फीस सेमेस्टर, अदरवाइज एडमिट कार्ड MED, यानी कि यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है जिस जिसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से जानकारी मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कोई भी जानकारी यहाँ से पता कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और भी पहुँचाता रहूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो देख लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।